तो आपको लगता है कि ऐसा कोई कैरेक्टर है आपके करियर में जिसको आप बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकते थे? बेहतर तरीके से मुझे लगता है मैंने अभी सीरियल किया था एक उर्दू वन का बे इंतहा। अच्छा। हाँ, उसमें मेरा ना दिल नहीं लगा था या दिल लगा था या मैं कंफ्यूज था, मुझे ना मज़ा ही नहीं आया। हालांकि वो मज़े का था लेकिन बस मुझे मज़ा नहीं आया। और जब वो ख़त्म हुआ ना, मैंने कहा यार अच्छी खासी चीज़ थी, पता नहीं मैंने क्यों नहीं किया। फिर वो जब लगा भी मैंने देखा थोड़ा सा कि कैसा फील आया, उस शूट कैसा हुआ है, तो मैंने बोला अच्छा। तो वो मुझे आज तक ऐसा लगता है कि जो भी वजह थी, अगर वो वजह ना होती तो मैं उसको और बेहतर तरीके से। हाँ, बहुत मेरे में उस प्रोजेक्ट में मेरे अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं था। अच्छा सर, सॉरी मैं आपकी बात, बट आपको क्या ये आपको लगता है कि डायरेक्टर के सराउंड के से बड़ी सराउंड करती हैं ये चीज़ें? यानी डायरेक्टर से भी करती है, लेकिन वही वाली बात है, सेट का माहौल। हर चीज़ पे सेट का माहौल। अब देखना, आप आए हैं और एक एक्ट्रेस सीनियर जूनियर जो भी हैं, सीनियर जूनियर वैसे तो कुछ नहीं होता, लेकिन चले मान लेते हैं, वो आगे चै 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 मुझे 5 मिनट जाना है, मुझे 5 मिनट जाना है, मुझे 5 मिनट जाना है, जल्दी करें जल्दी करें जल्दी करें जल्दी करें। तो आप यहाँ बैठे होते हो, आपको बोल नहीं रही होती, लेकिन आप अजीब से हो जाते। फिर मैंने आपको देखा, मैं कह रहा हूँ यार आप बैठे हैं, आप तो पिछले 50 साल से काम कर रहे हैं या 20 साल से काम कर रहे हैं, और उसके बाद आप खड़े होते हैं सेट पे और आप एक अजीब सा बदमाशी वाला माहौल और ये सब कर रहे हो, और मैं आपको देख रहा हूँ, तो वैसी कॉन्फिडेंस ना अजीब सा हो जाता है कि यार मेरी तो कोई औकात ही नहीं है, तो मैं क्या करूँ, ये तो सब कुछ दलील करते। मतलब मैंने तो देखा है सेट पे कि आप DOP को उसका काम सिखा रहे कि यहाँ से कौन फ्रेम बनाते हैं, भाई आप अपना काम एक एक्टर होके। हाँ, और मैंने तो एक ऐसी एक्ट्रेस के साथ, अल्लाह मियाँ उनको जन्नत नसीब करे, अभी तो जिंदा है खैर वो, लेकिन वो उनके साथ मैंने काम किया था। वो सेट पे वो इतनी थोड़ी सी नई सी हैं, थोड़ी सी मतलब नई तो नहीं होंगी, पुरानी होंगी थोड़ी सी, लेकिन वो अल्लाह मियाँ ने उनको नाम दे दिया, अल्लाह मियाँ ने उनको बड़ी इज्जत दी है काम में। वो मुझे ऐसा लगता है शायद पागल है। अच्छा। मतलब उनको उन्होंने कहा कि अब वो देख रहे होंगे तो आपको ये वाक्य याद होगा, लेकिन सफ़ेद दीवार थी, उनको बोला कि इधर आ जाए, और वो सीन था, और उनको कहा कि कपड़े पहन के आ जाए। पहले तो वो आई 19 घंटे लेट ना, वो 100 घंटे लेट, मतलब शेव वेव बढ़ गई थी हमारी जब तक वो आई। तो वो आई तो उनको बोला आप कपड़े बदलें, उन्होंने कहा मैं नैप लेने जा रही। अच्छा भाई, वो नैप लेने चले गए, वो 1 घंटा उन्होंने नैप लिया, फिर वो बाहर, जब वो बाहर आए उन्होंने सफ़ेद शलवार कमीज और सफ़ेद दुपट्टा, तो उनको कहा कि यार आप स्क्रीन सब पीछे सफ़ेद दीवार है, सफ़ेद ये है, आप सफ़ेद क्यों पहन के आ गए, आप दूसरा कोई कलर पहन के आए। उन्होंने कहा कि पीछे रंग का दीवार का रंग बदल दो। तो मैंने कहा ये कैसी बात हो गई, तो कह रही हाँ भाई मैं तो कपड़े नहीं बदलूंगी दीवार। उन्होंने 4 घंटे सीन नहीं कराया, जिसके बाद वो सीन अगले दिन पर स्विच हो गए कहीं और। उन्होंने कहा मैं आप इस पर सफ़ेद, आप दीवार का रंग बदल दें। तो वो इस तरह की जब चीज़ें होती हैं ना सेट पर, तो बहुत अजीब सा हो जाता है। लेकिन अगर माहौल अच्छा हो, बहुत सारे सेट हैं जहाँ आप जाएं, आप काम करें, आपको इतना मज़ा आता है, आप कहते हैं हाँ यार यहाँ मज़ा आया। तो मैं याद है सेट का माहौल का बड़ा फ़र्क है, सब एक टीम होने चाहिए। ये नहीं हो सकता कि एक्टर अलग है, डायरेक्टर अलग है, DOP सब एक टीम होंगे, एक फैमिली होंगे, तो अच्छा प्रोडक्ट निकलेगा आई गेस। सो हाउ डू यू प्रिपेयर फॉर अ रोल, व्हाट इज़ द फर्स्ट थिंग यू डू? व्हाट इज़ द फर्स्ट थिंग आई डू? मैं पहले कॉल करके पूछ रहा था कि पक्का हूँ ना मैं इसमें, अल्लाह की कसम। आई थिंक दैट्स द मोस्ट ऑनेस्ट आंसर। हाँ, एक बार मैं सच हुआ था, मैंने कैरेक्टर के कुछ 50 था, 20-22 कपड़े थे पूरा बनाए, मैं सेट पे पहुंच गया। मैं पहुंच गया, मैंने उनको फोन किया, मैं कहा सर वो मैं ना वो खड़ा हूँ भाई। तो बोला तुम क्यों बाहर खड़े हो? मैं सर शूट थी ना ऐसे। बोला तुम क्या कर रहे हो? मैंने कहा ये कैरेक्टर आपने बताया था। बोला नहीं नहीं उसमें तो हमने उसको ले लिया, और मैं भारी इतने कपड़े पड़े खड़ा हूँ। तो उस दिन के बाद से मैं पहले चीज़ ये करता हूँ, बताइए कि पक्का है ना, हम ही आएंगे ना आपके पास। तो जब वो हम ही भरते हैं, तो फिर उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं वही वाला जो मैंने आपको बताया कि मैं बैठ जाता हूँ और मैं इमेजिन करता हूँ बस कि यार ये ऐसा है तो इसमें क्या क्या हो सकता है। मैं वो चीज़ें लिख लेता हूँ या याद कर लेता हूँ, एक दिन पहले, एक हफ्ता पहले या शूट वाले दिन आई सेट विद द डायरेक्टर एंड आई टेल हिम कि यार मेरे दिमाग में ना ये आ रहा था। तो वो कहता है अच्छा ये नहीं तो मैं काट देता हूँ, कहता ये नहीं ये हाँ ये हाँ ये हाँ। जिस तरह मुझे शौक है कि हर कैरेक्टर के अलग कपड़े हों, उसकी अलग शक्ल हो। मैंने एक ज़माने में 3 sitcom एक साथ कर रहा था, एंड आई यूज टू मैनेज थ्री डिफरेंट गेटअप्स नेचुरली। एक में दाढ़ी थी, एक में ऊँचे थी, और एक में नीचे थी। तो वो मैं तीनों मैनेज करता था। तो वो मैं अब ये करता हूँ कि पहले चीज़ें बना लेता हूँ अपनी कि अच्छा ये कैरेक्टर ऐसे करेगा,
ये नहीं करेगा, ये कर सकता है. तो अगर डायरेक्टर बोले कि ये कर लो तो कर लेता हूँ, बोलता है नहीं तो थोड़ी इज्जत करता हूँ. फिर जब वो बिल्कुल ही जलीलों वाली हरकत हो जाती है, नहीं मना कर रहा हूँ, तो मैं उसको गालियाँ वाली देके दिल में कहता ठीक है आप जैसे कहेंगे. तो आपकी प्रोसेस शुरू एक डायरेक्टर के साथ ही शुरू मेरे से होती है, मेरा दिल क्या कह रहा है. हाँ. आपने जो बताया मैंने सुन लिया, लेकिन मुझे सिर्फ सुना है, मैंने समझा मंजा नहीं समझता, मैं अपना ही सही है. उसके बाद फिर मैं डायरेक्टर के पास जाता हूँ कि भाई मुझे ये लग रहा है. तो अगर वो कहते ना नहीं ये तो था ही नहीं, तो फिर तो बिल्कुल ही बहस वाली बात हो जाती है. लेकिन वो कहते हाँ ये अच्छा है, ये सही नहीं है यार, तो फिर मैं उसके बाद डायरेक्टर. लेकिन पहले मैं हूँ, मेरी इमेजिनेशन है, वो कागज पे आती है, उसके बाद डायरेक्टर की इमेजिनेशन मिक्स एंड मैच. What have you learned from the directors you have worked with throughout your career? ये सीखा है कि जिन directors को अपने काम से प्यार होता है वो set पे भी होते हैं, set पे time भी देते हैं, actor के साथ भी time देते हैं, और जो आरामखोर होते हैं वो set पे भी time भी नहीं आते, उनका ED scene करा रहा होता है और autopilot पे चल रहा है. कर लो सर मैं उल्टी कर दूं, कर लो. मतलब उनके दिमाग से भी होता है कि यार बस कर लो, कर लो यार तो घर जाए यार, ड्रामा रैप करो, एडी को बता दो जो पता है 16 सीन निकाल ले, 16 सीन निकाल ले, मैं यहां बैठा हूं भाई. 18 सीन निकालते थे नई नई लड़कियों को, वो मैसेज भी कर रहे होते पहुंच गई सेट पे. तो ये जो जो करते हैं उनको पता ही होता है. तो खैर, तो ये सीखा है मैंने कि जिसको सिंसियर है वो आपको हर वक्त नजर आएगा और वो आपको तंग करेगा. अच्छा डायरेक्टर आपको तंग कर देता है, क्यों? क्योंकि वो सिंसियर होता है. कहते हैं सुन सुन अभी जो तू बोलेगा ना, तूने ना यूं करना, यूं करना, और अभी दे नहीं नहीं तूने जो शॉट किया ना उसको थोड़ा सा यूं कर ले, वो आपको तंग करेगा क्योंकि वो काम से सिंसियर है, उसको वो ही चाहिए, वो चाहिए, और वो नजर आ जाता है. और वो काम जिस तरह नजब सर है, नजब बिलग्रामी, वो इतने जानो सच में, एक मेरे दोस्त भी हैं, बड़े भाई भी हैं, टीचर भी हैं, सब है. तो नजब सर इसी तरह के हम खपती हैं बहुत सारे. उमर ईसा के साथ मैंने काम किया, लोग पत्र जो मर्जी कहें, मैंने उस बंदे को देखा कि जैसा भी काम करता है अच्छा करता है, जैसा भी करता है वो सिंसियरली करता है. उसको मैंने जमीन पे लेटे हुए देखा है, पोली पकड़ी जमीन पे लेटा हुआ कि यार नहीं मुझे देखना है, और हम कह रहे हैं भैया आप डायरेक्टर हो, देखें यार. तो वो मेरे हाथ से ये सीखा है कि जो सिंसियर होगा ना वो आपके साथ होगा और वो आपको तंग करेगा. जो सिंसियर नहीं है वो फिर आप जब कहेंगे ना वो ऐसा काम करके आओ, डायरेक्टर बोला ही नहीं कुछ, वो इसलिए नहीं बोला क्योंकि उसका मुंह ही कहीं से और था. उसको बस पैकअप करके घर जा रहा था, टेंडर पे लगा हुआ था, आपको लगा कि यार शॉट दिया वापस ही नहीं करा रहा मुझसे, तो ऐसा नहीं होता. खैर, सो व्हाट डू यू प्रेफर, थिएटर, टेलीविजन, इम्प्रोव, रेडियो, होस्टिंग या मूवी या मौत? ये बहुत छोड़ दे अभी नहीं, बहुत जल्दी. अच्छा, किस इन टर्म्स ऑफ व्हाट? देखिए अगर घर चलाना तो टीवी, घर चलाना नहीं नहीं, पर्सनल लेवल बताए ना सर, पर्सनल लेवल पे कि यार अगर मैं आपको ऑप्शन दूं कि यार इन डेट्स पर आप एक स्क्रिप्टेड थिएटर प्ले कर लें, एक इम्प्रोव प्ले कर लें, एक रेडियो कर लें, और पैसे भी नहीं है, पैसे बीच में मैटर नहीं करते यार, आपने तो पूरी इसके भाई बताओ ना, पैसे मैटर करते तो अलग चीज है, पैसे आपको सबके एक जितने में, हाँ ये बात की ना, और रीच भी आपको सब में, नहीं रीच छोड़े, रीच भी बराबर आ गया ना, रीच भी चले सब, थिएटर 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 स्क्रिप्टेड और इम्प्रोव दोनों 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 थिएटर. वो जो जुमले का खत्म होते ही ताली की आवाज आती है ना, उसका नशा जो है ना बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा नशा होता है थिएटर या स्टेज. सो व्हाट इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ बीइंग एन एक्टर? हार्डेस्ट पार्ट आपको ना लोग इग्नोर नहीं करते, बड़ा मुश्किल लगता है यार. आप कहीं जाके चाय पी रहे हो ना, तो अच्छा एक तो ये होता है ना कि हाँ भाई आपका आपको एक्टिंग करते देखा है, फैन हो तो ये तो चलो फिर भी ठीक है. आपने कहते एक ही होता है कि दूर से ना आपको तीन चार लोग नहीं खड़े नजर आएंगे, आप कहते हैं यार मैं क्या कर रहा हूँ बैठा हूँ, ये इतना अनकंफर्टेबल होता है, इतना अनकंफर्टेबल होता है, एयरपोर्ट में सबसे ज्यादा होता होगा, हर जगह होता है कि पता नहीं बहुत मुझे बड़ी उलझन होती है. मुझे ये भी उलझन देता है कि अगर आप गुजरे ना तो आपको यूं देखने लगा आपके कान, आप रिएक्ट नहीं करते लेकिन आपके कान में आती है आवाज, तो बहुत अजीब सा होता है, बहुत मुश्किल काम है लोगों से, क्योंकि कभी बार दिल जाता है. मैं सुबह 5:45 पे एक जगह पे चाय पीने जाता हूँ, ठीक है, उसका वो टाइम पे क्यों जाता हूँ, क्योंकि उस वक्त सिर्फ मैं होता हूँ और वो चाय बनाने वाला बढ़ान होता है, सही होता बस. तो मैं वहाँ बैठ के चाय पीता हूँ, मुझे इतना अच्छा लगता है कि मैं सड़क पे बैठा हूँ, इस वक्त कोई मुझे नहीं देख रहा, कोई किसी को नहीं देख रहा, कोई है ही नहीं. तो वो जो आजादी होती है ना, लोगों को बड़ा लगता है कि यार आप तो जहाँ जाते हैं आपको कोई ना कोई जानने वाला मिल जाता है, लेकिन वो बहुत अजीब सा हो जाता है कभी बार बहुत. और हमारा तो कोई लेवल ही नहीं है, मतलब मेरी तो कोई औकात भी नहीं है, उसके बावजूद मुझे ये फीलिंग है. जिसको सब जानते हैं पाकिस्तान हो और दूसरे मुल्क, हाँ, तो वो तो पता नहीं कैसे करते होंगे, बड़ा बहुत अजीब सा है.
So how does a new person enter into the acting industry? Pakistan में ऐसा कुछ नहीं होता, सच्ची बात है. एंटर वेंटर कुछ नहीं होता है. हाँ, कि आप यूं करें हाँ. उसके बाद आपको काम मिलेगा. कद्दू काम नहीं मिलता आपको इस तरह से, ठीक है ना. या तो थोड़े से ताल्लुकात लगाए, ठीक है. हाँ. या अल्लाह मियां से दुआ करें, अपनी माँ को बोले कि 5 वक्त के बाद 10 वक्त के पढ़ ले नमाज, बस मेरी दुआ करते रहे. हाँ. तो आप कहीं काम कर रहे हो थोड़ा सा, तो उधर से आपको कोई देख ले. मेरी नॉलेज में तो ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि जी आप ये सीखें, इसके बाद ये करें, उसके बाद ये करें, तो आप यहाँ पहुंच जाएंगे. वो फॉर्मूला, मैं स्टार की बात नहीं कर रहा, मैं एंटर होने की बात. एंटर होने का कोई फॉर्मूला नहीं है. मैंने 15-16 साल से मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, चाहे मैंने थिएटर से शुरू किया, और छोटे से थिएटर से शुरू किया था. मैंने कभी काम मांगा नहीं था, मैंने आज तक किसी से काम मांगा नहीं है, मैंने किसी को जाके बोला नहीं, मैं कहीं गया नहीं. 16 साल की जिंदगी अपने बलबूते पे गुजार रहा हूँ, सब कुछ खुद आया, अल्लाह मियां ने भेजा, खुद आया, मैंने कुछ नहीं किया. तो देश लोग पूछे ना कैसे, ऐसे वैसे कुछ नहीं होता, ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो मैंने किया है वो आप करेंगे तो आपके साथ भी वही हो जाएगा जो मेरे साथ हो जाएगा. तो ऐसा नहीं होता, कोई रास्ता नहीं है एंटर होने का. सो व्हाट इज अ गुड एज टू बिकम एन एक्टर? देयर इज नो गुड एज एक्टिंग. अगर आपको जब लगे कि आपको आती है, देखिए पहले तो आपको शौक होता है. शौक अलग चीज़ होती है और लगना अलग चीज़ होती है ना. आपको लगता है ना कि मैं एक्टिंग करता हूँ और आसपास वाले भी कहते हैं हाँ यार एक्टर बन सकता है. मैं यहाँ से तब आपको एक्सपेरिमेंट करना चाहिए अपने साथ. लोग आपको बता देंगे कि आपको एक्टिंग आती है. ये जो होता है ना कि आप सुन लगाते हैं सामने वाले दोस्त होता है मैं निकाह निकाह, उसके बावजूद भी आप एक गिटार खरीद लेते हैं कि अब मैं सा भी करूंगा और यहाँ से भी, तो वो मजीद बुरा हो जाता है ना. तो आप वो आगे कह रहे हैं नहीं कर नहीं कर, तो इसका मतलब है कि नहीं कर, नहीं करो, आगे निकलोगे. और जल्दी हो जाता है, ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ. What is some advice that you would give to someone aspiring to become an actor? Yeah, एक तो पढ़ाई पूरी कर लेना. यार कभी भी ना अजीब से लसन जैसी चीजें नजर आती है चलते फिरते ना आपको, क्या हो गया. लेकिन पढ़ाई पूरी कर लो, और जरूरी नहीं है कि कामयाब हो गए. ये बड़ा गलत है कि जी मैं एक्टर बनूंगा तो मुझे शाहरुख खान ही बनना है, और अगर मैं शाहरुख खान नहीं बना या उससे भी आधी चीज नहीं बना तो मैं तो कामयाब ही नहीं हूँ. अगर आप एक्टिंग कर रहे हैं और आपसे कोई करा रहे हैं, जितनी भी करा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि शायद मुझे अभी उतनी ही आती है, जब मुझे ज़्यादा आ जाएगी तो मुझे ज़्यादा करा लें. तो ये ना सोचे कि जी मैं आज जाऊँगा तो फैसे कुरैशी ने 32, 35, 40, 50 साल लगाए, तो जब मैं 50 साल लगा लूँगा तो मैं भी फैसे कुरैशी जैसा हूँ या मैं भी फाद मुस्तफ़ा जैसा हूँ. ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता. आपका काम, आपका टैलेंट, आपकी किस्मत, ये सारी चीज़ें मिलकर आपको जहाँ पहुँचाए बस उतना ठीक. तो इज एक्टिंग का करियर पाथ यू वुड रिकमेंड टू न्यू? No. No? In Pakistan? Yeah, yeah. No. Okay. पैसे नहीं मिलते. बस नो ही रखते हो से आगे इसको एक्सप्लेन नहीं कर. याद आ गया मेरे पैसे बसे. नहीं नहीं पैसे भी आ रहे हैं कभी, जरा चेक का मैसेज करते हैं. चेक के मैसेजेस आप करते हैं अक्सर ऐसी जगह पे आप खड़े होते हैं, आप कहते हैं यार मैं इससे बेहतर था, और दुनिया भी कह रही होती है कि हाँ इस काम में तुम इससे बेहतर थे, लेकिन फिर भी कोई और कर रहा होता है. किसी का बेटा आ जाता है, किसी का भाई आ जाता है, किसी का मामू का लड़का आ जाता है, तो वो जाहिर सी बात है वो तो ऑलरेडी इंडस्ट्री में होता है, उसको तो आना ही नहीं होता. तो बड़े दुख सी जगह है. मैं यहाँ से कोई और काम कर ले, इसको शौकिया करें, शौकिया करें, 100% करें, लेकिन ऐसे ना करें एक ऑल्टरनेट करियर की तरह कि मैं एक्टिंग पढ़ के आया हूँ और मैं बस ये फुल टाइम एक्टिंग. नहीं सही सही हो जाए तो अच्छी बात है, मतलब मजे है आपके. नहीं होगा तो बड़ा डिप्रेशन. एक बार आपको एक्टिंग की आदत पड़ जाए या ऑडियंस की या फेम की आदत पड़ जाए, फिर आप एक आम जिंदगी नहीं गुजार नहीं गुजार सकते, नहीं गुजार सकते, पॉसिबल नहीं होता, चाहे पाकिस्तान में पाकिस्तान से बाहर. सो व्हाट क्वालिटीज डू यू लुक इनटू अ गुड डायरेक्टर? आपकी नजर में एक अच्छा डायरेक्टर कौन? जो जो हर एक्टर के साथ बैठ के उसको टाइम दे, जो उसको बताए कि सुनो मेरी बात, देखो ये सीन, रोल, कैमरा, कैट, कट, ये सब नहीं करना, मेरी बात सुनो पहले, फिर वो जाए, अगर उसको लगे कि उसको बात समझो वो फिर समझाए. ये बड़ा काम होता है इंडिविजुअली बैठना, हर सीन से पहले बैठना, हर लाइन का. अगर देखें कोई आपको डायरेक्टर बोले यार थोड़ा सा कर तू नीचे कर लेना मजा आ जाए, इसका मतलब है कि वो आपके इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं. बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं जो जिस तरह एक्स्ट्राज आते हैं, उनकी एक लाइन होती है, किसी की एक लाइन भी नहीं होती, उनके साथ भी टाइम दे रहे होते हैं कि यार तू ऐसे ही क्यों चल रहा है, ऐसे ही तू पीछे से गुजर रहा है, उसको पता है वो ब्लर में गुजर रहा है, शायद कट भी आएगा, लेकिन उसके साथ भी टाइम लगाते हैं कि यार तू ऐसे गुजरना, मोहल्ला है तो इस तरह गुजर. तो वो क्वालिटी जो है इंडिविजुअली सबको टाइम देना जो है ना, मुझे लगता है वो सबसे बेस्ट चीज़ होती है. Is it true the saying, if you set your mind to it, you can do it? If you set your mind to it, you can do it. अगर आप किसी चीज की ठान ले तो वो हो जाती है. ठानने से नहीं होता सिर्फ. ठानने से नहीं होता. अगर मैं ठान लूं कि मैं तो अमीर ही हूंगा,
तो ठहरने से कुछ नहीं होगा, काम करने से होता है। बहुत अच्छी बात। ये अजीब सी बात है कि जी मैंने तो ठान लिया है कि आज से मैं सिंगर बनूँ, लेकिन अगर मैं उसके बारे में कुछ कर नहीं रहा तो फिर मैं शायद मुझे लोग पागल कहना शुरू कर देंगे। तो सिर्फ ठानने से नहीं होता, कुछ करना भी होता है उसके लिए। ओके नाउ दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन। अल्लाह मुझे उसके बारे में क्या होगा। नहीं बस आखिरी क्वेश्चन है, अभी क्यू एंड ए का सेशन असल में आखिरी होता है ना सर। बब्बन का कैरेक्टर कैसे प्रिपेयर किया आपने उसके लिए? एक कॉफी के कप के ऊपर। हम कॉफी पी रहे थे और बन रहा था उस वक्त इतना नहीं बना था। ड्रामा जब शुरू हुआ और मैंने वो कपड़े पहने, क्योंकि मैंने वो कपड़े खुद बनाए थे, डिजाइन खुद किया था। अच्छा। कि, हाँ सब कुछ वो सॉल मी। अच्छा। तो मैंने वो बनाया, तो मैं जब खड़ा हुआ तो मैंने शर्ट को, मेरे दिल ने कहा कि शर्ट बांध दो, तो मैंने वो शर्ट बांध ली। मेरे कॉलर ने कहा कि कॉलर ऊपर कर लो, मैंने कॉलर ऊपर कर लिया। मैंने स्लीव ऊपर कर लिए और पहला सीन था। और वो सीन शुरू हुआ तो जो मैंने सोचा हुआ था और जो लिखा हुआ था और जो बना हुआ था, वो तीन अलग चीज़ें थी। लेकिन जब मैं किसी सेक्टर के सामने खड़ा हुआ, माह मेरे सामने थी और वो मैंने बोला, तो वो मेरे हाथ से वो तीनों चीज़ें मिक्स हो गए, एक बिल्कुल नई चीज़ निकला। और मैंने जब पहला कट करवाया तो मैंने कहा हाँ ये ठीक है। और उस पूरे एपिसोड में जो एक दिन का शूट था, वो पूरा कैरेक्टर बन गया था एक दिन में। मतलब उसमें थोड़ा सा सीन था जिसमें मेरी और माह की पहली मुलाकात होती है, तो उसमें मुझे मेरी एक आँख बंद हो जाती है लड़की को देख के। वो एक्शन के बाद हो गया था बस। मुझे अभी तक याद है उसका पहला सीन था, मैं दीवार पर खड़ा हूँ और मैं अंदर माम को देख रहा हूँ और बस वो एक्शन हुआ और मैंने वो कर दिया। और सबने कहा ये क्या था, तो मैंने कहा नहीं ये करेगा, जब भी ये खूबसूरत लड़की देखेगा इसको प्यार होगा, इसकी एक आँख बंद हो जाएगी। हाँ तो वो एक दिन में पूरा कैरेक्टर बन गया था। उससे पहले सिर्फ ये था कि बेसिक बन गया था। तो इसी को रिहर्सल्स वगैरह कुछ भी नहीं, टीवी पे कहाँ रिहर्सल होती है? टीवी पे तो बस लाइनें याद करने बड़ी बात है। लेकिन माशाल्लाह मैं जितने लोगों के साथ भी काम कर रहा हूँ, आधे से ज्यादा को पहले से आदत थी, आधों को मैंने पक्का करा दिया कि लाइनें याद नहीं होंगी तो मैं नहीं करूँगा। क्या अगर पूरा सीन है तो पूरा सीन याद करो, एक पेज का है, दो पेज का है, तीन का है, याद करें सीन पूरा याद कर ले। अब डायरेक्टर उसमें से एक लाइन डाले, आधी लाइन डाले, ना डाले, ये उसका काम। आप पूरी लाइन, ये जो होता है ना कि बस हो गया ना मास्टर, आप कैसे कह रहे हैं कि मास्टर हो गया, डायरेक्टर बताएगा कि मास्टर कहाँ लगाना है उसने, आप अपना काम करें। तो मैं आज रिहर्सल की जरूरत नहीं होती, अब थिएटर गया वैसा, क्योंकि तो याद हो जाती है जल्दी लाइनें, तो वो ऐसा भी मसला नहीं होता। कभी अटके हैं आप इम्प्रूव करते हुए? इम्प्रूव करते हुए इम्प्रूव शो में? हाँ एक बार। नहीं यार। अकबर चौधरी का स्विच बंद हो गया था और 500,000 लोग बैठे हैं और अकबर साहब सुन, और हम ये हो रहा है कि अकबर को हम खड़ा कर रहे हैं, अकबर खड़ा ही नहीं हो रहा, अकबर बैठ गया। और वो शो एक इतना बड़ा, बस सबके दिमाग बंद हो गए। मैंने अकबर को पहली बार गुम हुआ वो पसीने पसीने देखा स्टेज के ऊपर, क्योंकि मुझे आई कुड फील इट कि ये बंद हो गया, इसका दिमाग बंद हो गया। तो दो एक बार हुआ था, एक बार मेरे साथ हुआ था। अच्छा आपके साथ? मेरे साथ भी हुआ था। मैं बिल्कुल ऑफ हो गया था, पता नहीं मुझे याद नहीं कि क्या बात थी, लेकिन बिल्कुल वो नहीं होता कि बस सीन दिमाग में ये आवाज़ आ रही है, बस वैसा हो गया था। तो बड़ा मुश्किल हो जाता है उस वक्त ये करना। तो फिर उसको ऑब्वियसली उसको फिर वो कोप अप करना, कोप अप करना, और अक्सर नहीं होता। कई बार ऐसा हो जाता है, इधर हमारा, मैं एक बंदे का परफॉर्म करता था, उसका 3-4 महीने तक ही कुडंट डू इट, ही वाज वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मर्स आई न्यू, लेकिन ही कुडंट डू इट, उससे हो ही नहीं रहा था। और वो कह रहा है यार मैं क्या करूँ, रिहर्सल पे आ रहा हूँ, कह रहा मुझसे नहीं हो रहा। तो वो बड़ा ऑफ सीन है। तो आदि जैसे अब ऑब्वियसली जैसे अगर आप जैसे ब्रॉडवे थिएटर या स्क्रिप्टेड थिएटर की बात करते हैं, तो उसमें आपके पास एक डायरेक्टर की, अब ऑब्वियसली मुझे इतना इसकी रिहर्सल का आइडिया नहीं, तो मगर जो इम्प्रोव का आप लोगों का है, उसमें आप लोगों का कोई सेट डायरेक्टर होता है या आप एक्टर्स ही मिलकर उस परफॉर्मेंस को तैयार करते हैं? इम्प्रोव जो शॉर्ट फॉर्म इम्प्रोव होता है ना, उसमें गेम्स होते हैं। ठीक है। तो वो उसमें एक होस्ट होता है और बाकी 5 परफॉर्मर होते हैं, लेकिन जो होस्ट होता है वो भी एक इम्प्रोव आर्टिस्ट होता है। ठीक है। तो वो ऑडियंस से पूछता है, जैसा गेम का गिमिक है कि होस्ट सीन के बीच में जहाँ चेंज बोलेगा आप अपनी आखिरी लाइन बदल लेंगे, ये गेम है, उसका नाम चेंज होता जी, है जी, जी। तो वो ऑडियंस से सजेशन लेता है कि अच्छा आपको क्या लगता है ये दोनों कौन है? ऑडियंस ने कहा फर्ज करें मियां बीवी हैं, ये दोनों कहाँ खड़े हैं? ये दोनों जंगल में खड़े, इनके साथ क्या हुआ है? इनकी गाड़ी खराब हो गई। ऑडियंस ने जो बोला आओ गएगा सीन, अब आपने सीन शुरू कर दिया और उसकी कॉल होती है वो कब बोलेगा चेंज। अगर उसने चेंज बोला आपने फौरन अपना आखिरी जुमला बदलना है। अगर उसने 10 बार चेंज बोला आपने 10 बार जुमले को चेंज करना है और उसके बाद उसको जस्टिफाई भी करना है कि आपने क्यों बोला। तो वो डायरेक्टर तो नहीं, लेकिन उसमें होस्ट होता है, शॉर्ट फॉर्म इम्प्रोव में
होस्ट होता है। और आप रेकमेंड करेंगे एक्टर्स को कि इम्प्रोव? हाँ हाँ बिल्कुल, जिंदगी में काम आता है, हर जगह काम आता है, इम्प्रोव बहुत जरूरी है। आप हाजिर दिमाग हो जाते हैं, सुन पट्टी जो होता है ना, जैसे आपको तो बड़ा काम आया आपकी? मुझे तो बहुत काम आया, मुझे तो जिंदगी में काम आया, मुझे एक्टिंग में बहुत काम आया। और इम्प्रोव से ये होता है कि आप अपनी एक्टिंग में तजर्बे कर पाते हैं, ठीक है, क्योंकि आपका दिमाग यूं के बजाय यूं भी चल रहा होता है, घोड़े नहीं बन जाते आपके, आपको यूं बता दिया तो आप ये किए जा रहे हैं, आपके दिमाग में चीजें आती रहती है कि ये भी तो हो सकता है, वो भी तो हो सकता है। जिस तरह मुझे अक्सर लोग बुलाते हैं कि ये स्क्रिप्ट है, इसमें चीजें डाल दो, ठीक है, तो मैं उनको बोलता, अच्छा आप रीडिंग सेशन करें, मैं बैठा हूँ, मैं डाल दूंगा, तो वो कर रहे होते हैं और मैं सुनते सुनते पीछे कहता हूँ, एक मिनट यहाँ यूं 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 यूं, अच्छा एक मिनट यहाँ यूं यूं, तो वो बहुत दिमाग खुल जाता है आपको, तेज हो जाते हैं मेंटली। थैंक यू मिस्टर आदि यार, दिस इज, थैंक यू सो मच यार, दिस वाज, थैंक यू सो मच आपने मुझे बुलाया। नहीं नहीं सर, आप हमें यहाँ घुसने नहीं देते। नहीं सर, चले आपका सीन है सर, सीन है, हाँ ऐसा ही है। कोई है क्वेश्चन? नहीं है। आप ज्यादा गौर से सुन रहे थे, आपको सवाल कहाँ से आया? आपका ड्रामा देखा था मैंने रेडीज के, तो बड़ा अच्छा लगा करेक्टर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपने बात की है कि आपने हर जगह पे काम किए थिएटर में, सो हाउ डिफिकल्ट इज टू गेट इन द इंडस्ट्री, मतलब नॉट एज एन एक्टर बट बिहाइंड द कैमरा काम करने के लिए? बगैर कैमरा, बिहाइंड द कैमरा जो जो भी काम होते हैं उसमें मुश्किल नहीं है, लेकिन वो आपको काम आना चाहिए। अब वो ऐसे नहीं हो सकता कि सर आप मुझे रख लें मैं सीख लूंगा, वो सिर्फ तभी हो सकता है कि अगर आपके मामू वो काम करते हैं। लेकिन अगर आप किसी अननोन जगह पे जाते हैं तो आप उनको बताएं कि देखिए मैंने कैमरा चलाना सीखा हुआ है, मैंने लाइट करनी सीखी हुई है, तो फिर वहाँ तो इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि वो टेक्निकली बहुत कम लोग होते हैं जो सीख के आते हैं। मोस्टली हमें नज़र वही लोग आते हैं जो आ जाते हैं और फिर वक्त के साथ साथ सीख जाते हैं, जैसे एडिटर जो है वक्त के साथ साथ डायरेक्टर बन जाता है, स्पॉट वाला वक्त के साथ साथ लाइट मैन बन जाता है, तो वो देख देख के सीख जाते हैं। लेकिन अगर आपको पहले से आता है और अगर आपके कोई रिसोर्स या सोर्स नहीं है कि आप कहें कि मेरा ये जानने वाला है, तो अगर आपको काम आता है फिर मुश्किल नहीं है। बिहाइंड द कैमरा की बात हो रही है, लेकिन सामने ऐसा कुछ नहीं होता। जब मैं एक कोर्स करने के लिए आ रहा था तो हम लोग गेट टुगेदर कर रहे थे फ्रेंड्स, तो उन्होंने बोला कि क्या एम्बिशन करने के लिए, मैं बोला आई वांट टू बी अ डायरेक्टर, उसने बोला हाउ आर यू गोइंग टू परस्यू दिस, मैं बोला डिग्री लूंगा मैं उसके बाद चला जाऊंगा AD1 के या किसी में, उसने बोला इफ यू हैव द कॉन्टैक्ट्स आप बहुत जल्दी बन सकते हैं। अगर आप कहीं से जुआ खेल के पैसे जीत जाए ना, तो अपनी फिल्म बनाए और उसमें डायरेक्टर बन जाए, सबसे तेज तरीका तो ये हो गया। कौन सा जुआ है? कोई भी जुआ है जिसमें पैसे लगते हैं बड़े बड़े, ये सबसे तेज तरीका है। लेकिन पढ़ाई अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में सिर्फ आपको काम आएगी, किसी और को काम नहीं आएगी। मतलब मेरी जो चीज़ है वो मेरे इंटरनली मेरी ग्रूमिंग के लिए अच्छी है, अप्रिशिएट मुझे नहीं लगता कि कोई करेगा कि ओह तुम डिग्री लेके आए हो, अच्छा भाई आ जाओ नहीं। अब ये हो सकता है कि बोल रहे डिग्री लेके आए हो और वो आपसे एक ऐसा टर्म बोलेगा जो कि उनके सेट पे बना हुआ है, जिस तरह फर्ज करे सेट पे मैंने एक बार सुना आड़ू शॉट ले लो, आड़ू शॉट मैंने भी सुना है। अभी आड़ू शॉट आपको कौन चाचा पढ़ाएगा आपका इधर? हां लीजा आड़ू शॉट बोल रहे हैं, बोले आड़ू शॉट, मैंने आड़ू शॉट कौन सा है, पांडू गाना भी सुना है। आपकी डिग्री शायद यहाँ इतनी अप्रिशिएट ना हो, लेकिन वो आपको जिंदगी में हमेशा काम आएगी, क्योंकि आपको सीखा हुआ है, आपके अंदर वो उस चीज की समझ है, तो वो आपको वैसे काम आएगी। लेकिन ऐसा ये नहीं हो सकता कि आप प्रोडक्शन हाउस के पास जाके बोले देखिए सर पढ़ के आ गया, और वो कहें वो आपका इंतजार था आइए बैठे, ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ अभी पिछले साल मैंने हम टीवी की टेलीफिल्म की थी शेख साहब चल बसे, उसमें जो मेरा कैरेक्टर था मुझे उन्होंने कहा मिमिक्री करने को, मैं मिमिक्री नहीं करता, ना मुझे आती है ना मुझसे होती है ना मुझे अच्छी लगती है, तो वहाँ मेरा थोड़ा हो गया था कि यार मैं मिमिक्री नहीं करूँगा क्योंकि मुझे आती नहीं है, करना तो दूर की बात है। तो थोड़ी जिद होती रही, तो उसके बाद सेट शूट का दिन आ गया, मैं शूट पे गया, पहला सीन गया तो मैंने, क्योंकि वो हो गई थी बात, मैंने कहा अच्छा चलो कर देता हूँ मैं, तो मैंने कोशिश की अपनी तरफ से, कर तो मैंने दिया, लेकिन वो डायरेक्टर को पता लग गया कि ये दिल से नहीं कर रहा, इसने बस कर दिया, तो उसने कहा क्या हुआ, मैंने कहा मुझे नहीं आती ना, मुझे एक चीज़ आती ही नहीं है ना, मैंने करनी है ना, मेरा दिल है, मैं क्यों करूँ, मैं किसी को क्यों कॉपी करूँ, तो उन्होंने कहा अच्छा तुम अपना कर लो। जब मैंने उसी के 10 सेकंड में अपना बनाया हुआ किया तो जाहिर सा था मैंने दिल से किया, तो वो बहुत अच्छा था, तो उधर जाके वो फिर मान गए कि उन्होंने कहा नहीं तुम अपने दिल से जो तुम्हें लग रहा है ना तुम वैसे ही करो, बेदिली से नहीं करो, बस ये एक बार हुआ है वरना मान जाते हैं अक्सर।
बस शुक्र है. मैं पूछ लूं सवाल प्लीज? अल्लाह सर जरूरी है ना. अच्छा मुश्किल नहीं हो? नहीं नहीं बहुत आसान है. हाउ डू यू फील लाइक डायरेक्टिंग अ मूवी? नो आई डोंट वांट टू डायरेक्ट अ मूवी. मेरा पेशेंस लेवल फोकस इतना है ही नहीं. मैं डायरेक्ट नहीं कर सकता. कर सकता हूँ, करना नहीं चाहूँगा. मुझे एक्टर बनना है. मुझे बड़ा डायरेक्टर्स जॉब जो है ना, बहुत ज़्यादा पेशेंस, बहुत ज़्यादा फोकस. और हमारे यहाँ डायरेक्टर की बड़ी सारी ड्यूटियाँ होती हैं. एक्टर को मना लो, एक्टर को बुला लो, ये सब काम जो है ना, ये मुझे समझ नहीं आता. तो मुझे, मैंने थिएटर डायरेक्ट किए हुए, लेकिन टीवी फिल्म मैं कभी भी डायरेक्ट नहीं करना चाहूँगा, और ना ही कभी प्रोड्यूसर बनना चाहूँगा. मुझे एक जगह किसी ने पूछा कि अगर आपको करोड़ रुपया दिया जाए तो आप क्या बनेंगे? तो मैंने बोला मैं नाई की दुकानें खोलूँगा, 5-6 नाई की दुकानें. तो उन्होंने कहा क्या मतलब प्रोड्यूसर नहीं बनेंगे आप? मैंने कहा प्रोड्यूसर क्यों बनूंगा? तो उन्होंने कहा नहीं, वो करोड़ों रुपया आप अपनी फिल्म बना सकते हैं. मैंने कहा नहीं नहीं, वो करोड़ों रुपया बस आ गया करना है, उससे अच्छा है कि नाई की दुकान से कमा लूँगा और मजीद. तो मुझे ना प्रोड्यूसर बनना है ना, मुझे सिर्फ एक्टिंग करनी है. जिस दिन मुझे काम मिलना बंद हो जाएगा और मेरे पास जितने पैसे बचे होंगे, अगर वो पैसे जब तक चलेंगे तब तक ठीक है, जब वो पैसे ख़त्म हो जाएंगे, तो अगर उसके बाद मैं मर गया या मैंने उसके बाद खुदकुशी भी कर ली, तो इट वॉन्ट बी अ सैड सुसाइड कि डिप्रेशन में आके आदि साहब ने भी जान ले ली. ऐसा नहीं हुआ. वो ये हुआ कि इफ़ आई फील के अच्छा अब काम मिल नहीं रहा, अच्छा काम नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने अपना काम शायद कर लिया है और अब मेरे पास जीने के लिए कोई और रास्ता भी नहीं है. तो आई लीव दिस वर्ल्ड वेरी हैप्पीली, बट आई जस्ट वॉन्ट टू बी एन एक्टर. नहीं नहीं, दिस इज व्हाट आई बिलीव. आई डोंट वॉन्ट टू बी, वो नहीं होता कि आप डायरेक्शन कर लें तो आप कहते पैसे तो आ रहे ना कर ले. तो मुझे उस तरह नहीं करना कि पैसे तो आ रहे हैं वगैरह. नहीं, मुझे ये होता है कि मुझे सिर्फ एक्टिंग करनी है बस. जैसी भी है एक्टिंग करनी, उसके अलावा ये शौक ही नहीं है डायरेक्टर बनने का. शायद लोगों को अच्छा लगता होगा अथॉरिटी का काम. मुझे नहीं है इस तरह का. शुरू से नहीं? नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी किसी को देख के भी नहीं कि यार वो यार इसका तो ये बड़ा अच्छा काम. नहीं नहीं, मुझे सिर्फ एक्टिंग करनी, एक्टिंग करता हूँ. अगेन थैंक यू सो मच आदि. और नहीं है ना कोई सवाल? अलग है, नहीं बस मैं का घर जाने दो. बहुत बहुत थैंक यू यार, थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोग आधा पौना घंटा बैठे, और आपका शुक्रिया कि आपने मुझे बुलाया. बेशक आपने मुझे ना पेट्रोल के पैसे दिए ना कुछ, लेकिन मैं आया. मेरा भी शुक्रिया कि मैं आ गया. ये तो मैं डालूंगा फुटेज में, ये मैं डालूंगा. मैंने कहा क्लियर कर दूंगा ऐसा कि आगे भी तो लोगों को पता चले पेट्रोल अपना है भाई कि अपना लाना. आप इनके आंसर में आएगा नहीं आएगा? तो आप लोग का बहुत शुक्रिया, और आप लोग सब यहाँ पढ़ रहे हैं, अल्लाह आप लोग को बहुत कामयाब करे, और आपको भी बहुत कामयाब अल्लाह मियां कर रहे हैं और करते रहें, और मुझे भी करें क्योंकि मैं भी कर रहा हूँ ना. वरना यहाँ बात खत्म हो जाती है, आप ना देते दुआ तो लग जाता. लव यू यार, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर लव यू.